बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए न्यू जॉब लेकर आया हूँ जो कि नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी यानी कि नादरा में जॉब आए हुए हैं, जिसमें आप पूरे पाकिस्तान से आप अप्लाई कर सकते हैं। कौन सी जॉब आए हुए हैं, कितनी जॉब आए हुए हैं और इसमें कैसे अप्लाई करना है, सारी डिटेल आपको इसी वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा वॉच करना आपने और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना है। दोस्तों इसमें जॉब आए हुए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल की बात करें तो आगाज़ समर इंटर्नशिप प्रोग्राम 2024 बिल्कुल न्यू जॉब है, फ्रेश वाले अप्लाई कर सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर नहीं है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, 6 वीक आपकी ट्रेनिंग होगी और ट्रेनिंग के दौरान भी आपको सैलरी दी जाएगी। उसके बाद इसकी मज़ीद इंस्ट्रक्शन आपने रीड कर लेनी है और इनकी एजुकेशन वगैरह देखने के लिए और इनका जो अप्लाई करने का तरीका है दोस्तों वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। दोस्तों जिसमें अप्लाई करने के लिए आपने सबसे पहले गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपने एक वेबसाइट सर्च कर लेनी है। वेबसाइट का नाम है alertjobnext.com। गूगल पर सर्च करेंगे तो आपके सामने alertjobnext.com की जो ओरिजिनल वेबसाइट है यहाँ पर आपके सामने ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे ये जॉब नज़र आएंगी, न्यू नादरा आगाज़ समर इंटर्नशिप प्रोग्राम आपको ये नज़र आएगा, बिल्कुल न्यू जॉब हैं, फ्रेश वाले अप्लाई कर सकते हैं और आपको सैलरी भी दी जाएगी। यहाँ पर आपको डिटेल भी समझाता हूँ। उसके बाद अगर मज़ीद एजुकेटर जॉब पर अप्लाई करना चाहते हैं इस पर भी कर सकते हैं। बैंकिंग जॉब रोज़ाना न्यू जॉब यहाँ पर आती रहती हैं तो आप यहाँ पर ईज़िली अप्लाई करके जॉब हासिल कर सकते हैं। तो जॉब हासिल करने के लिए अगर आप जो है समर इंटर्नशिप प्रोग्राम की जॉब हासिल करना चाहते हैं तो आप रीड मोर के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जब इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों आपके सामने इसकी डिटेल आ जाएगी। डिटेल में यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपको यहाँ पर आपको ये ऐड भी देखने को मिलेगा, आप यहाँ पर ऐड भी देख सकते हैं। उसके बाद ये देख सकते हैं 6 वीक इंटर्नशिप होगा आपको, ये आपको रिक्वायरमेंट भी दी हुई है। उसके बाद लोकेशन जिन शहरों में आपको हायर करेंगे वो भी लिखा हुआ है, हेड ऑफिस में हायर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपको मुख्तलिफ डिपार्टमेंट आपको हायर कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट ये ऑफ़र क्या कर रहे हैं वो भी आपको देंगे, यहाँ पर आप लिखा हुआ है ये भी देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको मेंशन होगा, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको जूम करके दिखा दूं कि इसमें जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं, इसमें जो है आपके पास बैचलर जो है स्टूडेंट वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जो है सेमेस्टर कर रहे हैं 6, 7, 8 सेमेस्टर अगर आप कर रहे हैं तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मास्टर कर रहे हैं तो 3rd, 4th सेमेस्टर वाले भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये डिग्री आपके सामने मेंशन है। उसके बाद इंटर्नशिप लोकेशन देख सकते हैं, इन शहरों में आपको हायर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपने अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के लिए आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको हाउ टू अप्लाई के नीचे यहाँ पर लिखा होगा कैरियर का ऑप्शन, तो आपने कैरियर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जब कैरियर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे दोस्तों आपके सामने इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आने के बाद आपको ये बहुत सारी मज़ीद भी जॉब नज़र आएंगी, करंट ओपनिंग जॉब यहाँ पर आप देख सकते हैं और यहाँ पर आपको मज़ीद भी जॉब नज़र आएंगी जिन पर आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एक्सपीरियंस रखते हैं। अगर फ्रेश वाले हैं तो यहाँ पर आगाज़ समर इंटर्नशिप प्रोग्राम ये बिल्कुल न्यू जॉब है, आप यहाँ पर व्यू डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जब व्यू डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे दोस्तों आपके सामने जो है इसकी डिटेल आ जाएगी। डिटेल में यहाँ पर चेक कर सकते हैं आप जो है डिग्री वगैरह मैच कर सकते हैं और अगर आप जो है एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके आप जो है एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपको इसके आगे ये अप्लाई नो का ऑप्शन नज़र आ रहा है तो आपने अप्लाई नो के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जब इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों आपके सामने इस तरह का एक एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा जिसको आपने फिल कर लेना है। फिल कैसे करना है, सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है। बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपने चूज़ फाइल करना है, चूज़ फाइल करके आपने जो CV है वो सेलेक्ट करके यहाँ पर आपने अपलोड कर देनी है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पर्सनल डिटेल है, इसमें फुल नेम अपना लिखना है, फादर नेम लिखना है, अपने अबू का नाम, डेट ऑफ बर्थ इंटर करनी है, जेंडर सेलेक्ट कर लेना है कि मेल है या फीमेल, आपने एक को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट सिटीज़न नंबर देना चाहें वो भी दे सकते हैं, यानी कि डाक का जो एड्रेस है वो देना चाहें वो भी दे सकते हैं। कार्ड इशू डेट आपने जो बताना है, कार्ड इशू डेट यानी कि आपने आईडी कार्ड की इशू डेट वो इंटर करनी है। डोमिसाइल आपने बताना है कि आपके डोमिसाइल का ज़िला कौन सा है, डोमिसाइल तहसील कौन सी है, लैंग्वेज प्रोफेशन सी बताएंगे
कि आप जो है कौन सी लैंग्वेज आपको आती है, यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जितनी लैंग्वेज आती हैं ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर जो है अदर नेशनैलिटी वर्क वीज़ा, यानी कि दूसरे मुल्क अगर आप जो है आना जाना है तो यहाँ पर वीज़ा रखते हैं तो यहाँ पर यस करेंगे, अगर नहीं रखते तो नो कर देंगे। टाइप ऑफ नेशनैलिटी बताएंगे कि आपकी नेशनैलिटी किस किस्म की है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नेशनैलिटी कंट्री बताएंगे कि कंट्री कौन सा है आपके जहाँ पर आना जाना है, अगर पासपोर्ट वगैरह रखते हैं तो बता सकते हैं। उसके बाद डू यू हैड होल्ड एनी ओवरसीज परमिट वीज़ा, येस और नो में यहाँ पर जवाब देंगे कि वीज़ा अगर इकामा वगैरह अगर रखते हैं तो। उसके बाद वर्क परमिट कंट्री, तो यहाँ पर आप जो है वर्क परमिट कंट्री अगर जो है कोई परमिट वगैरह लिया हुआ है किसी कंट्री का तो यहाँ पर वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सारा जो है यहाँ से लेकर जो है और नीचे तक ये सारा जो है गैर मुल्क जिनका आना जाना है उसके लिए इंफॉर्मेशन है। उसके बाद आपने नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जब नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा एजुकेशन का, तो आपने एजुकेशन अपनी देनी है। सबसे पहले डिग्री सेलेक्ट कर लेनी है कौन सी आपकी डिग्री है, और ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स और यूनिवर्सिटी का नाम बताएँगे कौन सी यूनिवर्सिटी से डिग्री की, स्टार्ट डेट, एंड डेट, कब शुरू की थी, कब ख़त्म की, वो आपने डिग्री इन्फॉर्मेशन एजुकेशन में देनी है। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस आ जाएगा, वर्क एक्सपीरियंस में आपने अगर एक्सपीरियंस रखते हैं तो एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, अगर नहीं रखते तो इसको छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फो डिटेल आ जाएगी, कॉन्टैक्ट डिटेल में अपना एड्रेस बताएंगे और फ़ोन नंबर वगैरह ये पूछेगा। आपने सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है तो आपका यहाँ पर मुकम्मल तौर पर अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह दोस्तों आपने अप्लाई करना है, इस तरह आप नादरा समर इंटर्नशिप प्रोग्राम में जॉब हासिल कर सकते हैं। दोस्तों ये थी जॉब की आज की न्यू इन्फॉर्मेशन, मज़ीद जॉब के रिलेटेड आप तक इन्फॉर्मेशन रोज़ाना डिटेल के साथ पहुँचती रहे तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को भी दबा दें। मुझे दीजिए इजाज़त दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।